अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कुदरती चश्मा है, फुल देसी चक्की का पानी यहाँ पे पूरा साल दस्तियाब है, कुदरती चश्मा है। तो साथियों ये जो आबिशार है, आबिशार के ऊपर वाली साइड पे एक अंदाजे के मुताबिक 100 किलोवाट की का बिजली घर यहाँ पे बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। नहर बनाने की जगह भी बहुत आसान है, चश्मा काफ़ी ऊपर से आता है। अगर 100 किलोवाट का बिजली घर इस आबिशार से ऊपर बनाया जाए, फिर उसके बाद ये आबिशार से नीचे ये जो एरिया है ये बिल्कुल स्लोप है, ऊपर से उतराई में ये पानी नीचे जाता है दूसरे गांवों के लिए। तो यहाँ पे इस जो एरिया है यहाँ पे सीरीज में 100-100 किलोवाट के 4-5 बिजली घर बनाए जा सकते हैं, बहुत आराम से बनाए जा सकते हैं ये बिजली घर। यानी एक बिजली घर से पानी निकला 100 फुट के बाद, फिर उस पानी को गिरा दे, दूसरा बिजली घर अब बना ले। तो यहाँ जो ऊपर गांव है दोस्तों, यहाँ पे कोई 600-700 घराने आबाद हैं। तो ये 600-700 घराने गवर्नमेंट जो अदारे हैं, गवर्नमेंट के अदारे भी हैं और जो गैर सरकारी अदारे हैं, इनकी मदद से ये 600 घराने अपने लिए 500-600 किलोवाट की बिजली अपने घर की दहलीज पर ये लोग बना सकते हैं। बगैर किसी लोड शेडिंग के पूरा साल ये बिजली इनके लिए दस्तियाब हो सकती है। अभी हम लोग जो है ना रोते हैं कि बिजली नहीं है, सर्दियों में स्पेशली सर्दियों में कोई 150 या 100 से 150 वोल्टेज की बिजली घरों में आती है। तो उस बिजली से ना फ्रिज चलते हैं, ना वाशिंग मशीन चलता है, ना इस्त्री हो सकती है, हीटिंग और कुकिंग की तो बात ही अलग है। तो अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हम अपने घर के सामने, मतलब ये लोग अपने घर के सामने अपने लिए 500-600 किलोवाट की बिजली पैदा कर सकते हैं। फिर कम्युनिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए एक दो ऑपरेटर वहाँ बिजली घर में उनको एज ए मुलाजिम रखा जा सकता है, उनको जो बिजली का बिल आएगा वो बिल भी कम्युनिटी अपनी मर्जी से तय कर सकती है और बिल का पैसा किसी बैंक में रख के वहाँ से इन मुलाजमों को तनख्वाह दी जा सकती है और अपने लिए बिजली फ्री में, यानी पैसा भी आपका बिजली भी आपकी, इसमें कोई गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं है, पानी भी आपका है, साइट भी मौजू है, बिल्कुल यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। और ये इस गांव जो ये गांव है, गांव के लोगों की ये ज़मीन है, पानी भी इनका है। तो अदारे भी घर के सामने हैं, गैर सरकारी अदारे भी हैं, गवर्नमेंट भी है, मदद करने की तैयार हैं। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि गांव के लोग मिल बैठें और जो ये कुदरती अल्लाह ताला की ये नवाजिशात हैं, ये रिसोर्सेस हैं, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। सर्दियों में आपके लिए पूरा साल, स्पेशली सर्दियों में हमें बिजली का बड़ा मसला होता है, तो हमारे घर के सामने ये कुदरती जो रिसोर्सेस हैं, ये ज़राए हैं, हमारे घर के सामने मौजूद हैं। हम मिलकर आपस में मिल बैठ के हम इस जो कुदरती नियामत है इससे फ़ायदा उठाकर अपने लिए विदाउट एनी लोड शेडिंग पूरा साल अपने लिए बिजली घर बना सकते हैं, अपनी सेविंग में इजाफा कर सकते हैं, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ गांव में हो सकती हैं अगर बिजली अवेलेबल हो, हीटिंग कुकिंग आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट की बिजली भी है, जब गवर्नमेंट की बिजली ना हो तो अपना बिजली घर आप चला सकते हैं, गवर्नमेंट की बिजली आ जाए तो गवर्नमेंट की बिजली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। गांव के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, मार्केट में घूमने वाले लोग हैं, सबको पता है कि कुदरती जो रिसोर्सेस हैं इनसे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, टेक्निकल लोग भी मौजूद हैं। तो अगर ये लोग चाहें तो अपनी मुश्किल में कमी ला सकते हैं। बिजली है तो ज़िंदगी है, बिजली है तो इंटरनेट चलता है, मोबाइल चलती है, सब कुछ बिजली से मुमकिन है। तो गवर्नमेंट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है, गैर सरकारी अदारे तैयार हैं, सिर्फ लोगों की तरफ से कोई मूवमेंट हो, कोई हरकत हो, कोई करारदाद आ जाए तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फिर गवर्नमेंट लोग अपनी मदद आपके तहत भी ये बिजली घर बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद आ जाए तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी वीडियो देखने के लिए।